नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। जनपद मुरादाबाद में बुधवार को मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने वाले लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह का ठाकुर द्वारा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान SP देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि बुधवार को ठाकुर द्वारा पुलिस सुबह रतुपुरा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार सवार चार युवकों को रोकने का इशारा किया गया, मगर आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने दौड़कर कार को दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें उसमें 55 बैटरी और 3 अवैध चाकू मिले। जिसके बाद पुलिस ने कार में बैठे युवकों से पूछताछ की तो चारों युवकों ने स्वीकार किया कि वह मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करते हैं। मुख्य आरोपी अनस निवासी थाना डिलारी ने बताया कि वह हरियाणा के पलवल में 2015 से 2017 तक मोबाइल कंपनी में टावर की निगरानी करता था, मगर कंपनी के कर्मचारी से किसी विवाद की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर कंपनी से बदला लेने के लिए उसने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करनी चालू की, जिसके बाद उसने अपने दोस्त कासिम निवासी थाना ठाकुर द्वारा की मदद ली। कासिम की मदद से वे मैजिक गाड़ी में मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने के बाद मुरादाबाद लाता था और मझोला थाना क्षेत्र के काशीराम नगर निवासी मनोज को मात्र 17,000 में बेच देता था। आरोपी इस बैटरी को उपयोग ई रिक्शा में करता था, जबकि चौथा साथी फरमान निवासी थाना छजलेट चोरी में मदद के लिए मौजूद रहता था। चलिए आपको बताते हैं कि चारों युवक कितनी चालाकी से और किस तरह बड़े ही आसानी से टावर बैटरी मिनटों में ही कैसे गायब कर देते हैं। दरअसल अनस पूर्व में रिलायंस जियो टावर पर टेक्नीशियन के रूप में नौकरी का काम कर चुका है, जिसको टावर पर बैटरी व उपकरण खोलने की काफ़ी जानकारी है। अनस ने अपने गिरोह के शामिल अन्य साथियों को भी बैटरी, सेल आदि खोलना सिखा दिया था, जिससे अभियुक्तगण बहुत ही चालाकी से कुछ ही मिनटों में टावर, बैटरी, सेल आदि खोलकर टाटा ACE व वैगनर गाड़ी में रखकर फरार हो जाते थे। आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त कासिम व अनस दोनों पूर्व में भी चोरी बैटरी करने के जुर्म में हरियाणा की जेल में जा चुके हैं। सफलतापूर्वक इस गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम में ठाकुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी, उप निरीक्षक संजय कुमार, नितिन कुमार, कुलदीप सिंह, जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल अफसर अली, राहुल कुमार, अर्जुन कुमार, अंकुर चौधरी मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक ठाकुर द्वारा और उनकी टीम द्वारा आज सुबह चेकिंग की जा रही थी और इनके द्वारा चार संदिग्धों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि इनके द्वारा जियो की बैटरी हरियाणा एवं उत्तराखंड राज्य से चोरी की जाती है। साथ ही साथ हमारे जनपद में थाना बिलारी, कुंदरकी और अन्य थानों में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। उनके निशानदेही पर चोरी किए गए माल और जिस गाड़ी से माल ले चोरी करने के बाद ले जाते थे वो वाहन और एक और वाहन वैगनार बरामद हुआ है। कुल करीब बैटरी की कीमत जो चोरी की बरामद हुई है करीब 20 लाख की है और बाकी अन्य सामान जो इनके साथ मिला हुआ है 10 लाख उसकी कीमत है। कोई आपराधिक इतिहास पूर्व ये पूर्व में पलवल जेल में रहे हैं और बाकी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।